तो भाई रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप बेल्ट अब रिलिंक्विश करने वाले हैं एक और वो टाइटल अपना रिलिंक्विश कब करेंगे उसके रिगार्डिंग डेट भी निकलकर सामने आ चुका है। उसके अलावा लोगन पॉल और रोमन रेंज का मैच कब होने वाला है इसका भी डेट निकलकर सामने आ चुका है। और द फिंड का रिटर्न फिर से टीज हो चुका है WWE के अंदर। और आखिर फिंड WWE के अंदर क्यों नहीं आ रहे उसके रिगार्डिंग न्यूज भी निकलकर सामने आ चुका है। तो बस भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं एक करके सारा न्यूज आपको पूरी डिटेल में समझाता हूं। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले डेव मेल्जर के तरफ से निकल कर आए, तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है आपको पता ही हो। तो उनके अकॉर्डिंग एक बार फिर से टॉक शुरू हो गया WWE का और फिंड को वापस लेकर आ रहे हैं WWE में बहुत ही। देखो क्लैश एट द कार्सल में तो फिंड आते हुए नहीं दिखे, पर इसका चांसेस बहुत ज्यादा है कि आगे आने वाले WWE के शो में वो आते हुए जरूर दिखेंगे। और डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग जो क्लियर रीजन है कि फिंड क्यों नहीं WWE में आ रहे हैं उसके पीछे कारण है पैसा। जहां जितना फिंड ने डिमांड किया WWE से पैसा लेने के लिए अभी WWE राजी नहीं है। तो बस देख लो यार फिंड और WWE के बीच में बस पैसा का सीन चल रहा है। देखो इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि अब फिंड WWE में आ सकते हैं वापस, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है WWE के पास तो पैसा कमी नहीं, तो किसी न किसी तरह से वो सॉर्ट आउट कर ही लेंगे मामला। वैसे जब फिंड वापस आएंगे WWE में तो आप उनका मैच कौन से रेसलर के साथ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए। और हाँ कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को भाई, सुबह शाम रोज मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं। हमारा अगला अपडेट जुड़ा है बेली से लेकर, तो वो कुछ स्टेटमेंट दिए HH के बारे में। तो उनका सिंपल ये कहना है कि अब WWE में वुमेन्स डिवीजन ज्यादा सिक्योर फील कर रही है जब से HH आए। मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में इसको हम समझने का कोशिश करें तो उनके अकॉर्डिंग अब ज्यादा वुमेन्स डिवीजन को पुश किया जा रहा है WWE। और ये बात कुछ हद तक सही भी यार, जब Vince McMahon थे तो वुमेन्स डिवीजन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारा अगला अपडेट जुड़ा हुआ है मुस्तफा अली के तरफ से। तो मुस्तफा अली के तरफ से ये अपडेट है कि शायद उनका न्यू थीम सॉन्ग आने वाला है WWE के अंदर। मैं नाम भी बता देता हूँ उस थीम सॉन्ग का, जलेबी बेबी नाम है उस थीम सॉन्ग का। अब देख लो भाई मुस्तफा अली का जब न्यू थीम सॉन्ग आ रहा है तो शायद स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे मुस्तफा अली WWE के अंदर। वैसे मुझे याद है इनका एक फ्रैक्शन था WWE के अंदर, उसका जो कचरा किया था WWE मुझे मैं भूल नहीं सकता उसको। वैसे आपको क्या नाम है उस फ्रैक्शन का, नाम आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिसको भी पता होगा। हमारा अगला अपडेट जुड़ा हुआ है मॉन्स्टर एमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के तरफ से। तो इंटरनल सोर्सेस से ये रिपोर्ट निकलकर सामने है कि शायद गुंथर फेस कर सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को रेसलमेनिया के अंदर। जी हाँ, हमें रेसलमेनिया के अंदर गुंथर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हमें देखने को मिलेगा। तो देखो यार हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्लैश एट द कार्सल के अंदर सेमस और गुंथर का कितना कमाल का मैच, तो शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ भी एक बहुत अच्छा फ्यूड हो सकता है गुंथर। वैसे आपका जो भी कहना है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे चलिए मैं एक और अपडेट आपको बता देता हूँ, कल वाले स्मैकडाउन के अंदर भर के अपडेट आ चुका है। कल के स्मैकडाउन के ऊपर हमें बहुत सारे प्लानिंग देखने को मिले, जैसे गुंथर का कौन सा नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है WWE में ये भी हमें कल देखने को मिलेगा। उसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर, तो उनका अपोनेंट कौन होने वाला है ये भी हमें पता चलेगा। और हाँ लोगन पॉल का तो सेगमेंट हम लोग भूल नहीं सकते हैं, कल का स्मैकडाउन सब लोग देखिए। और कल का स्मैकडाउन ऐसे जैसे ही खत्म होगा मैं 30 मिनट बाद हिंदी रिव्यू अपने चैनल पर डाल दूंगा। मेक श्योर जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हो सब लोग सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं अपने मेन न्यूज के तरफ। वैसे मैं आपको बताने के लिए भूल गया, WWE ने एक पोस्ट की है सोशल मीडिया के ऊपर। आप सात तरीके से देख सकते हैं कि गोल्डवर अपना नेक का एक्सरसाइज कर रहे हैं और WWE ने अपना इंस्टाग्राम के थ्रू इसको पोस्ट किया। तो देख लो WWE का पुराना रूल है, जब भी कोई रेसलर अपना रिटर्न करने वाला होता है WWE उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। अब इससे यह बात साफ तरह से पता चल जाता है कि गोल्डवर बहुत ही जल्द WWE में हमें फिर से वापस आते हुए दिख सकते हैं। वैसे गोल्डवर का अपोनेंट आप किसको देखना चाहते हैं इस बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ जहां तक रही वीर महान का बात, तो वीर महान तो अभी दिख नहीं रहे, तो इसका चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि शायद वो गोल्डवर का अपोनेंट बनेंगे। वैसे आप किसको देखना चाहते हैं आप सब कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आराम से अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के ऊपर। डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग हमें रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच हमें क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिल सकता है। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, क्राउन ज्वेल के अंदर हमें प्रोबेबली देखने को मिल सकता है रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल का मैच, और शायद इसका टीस हमें देखने को मिल सकता है कल वाले स्मैकडाउन के ऊपर। अब देखो यार सही में लोगन पॉल एक सेलिब्रिटी है मानते हैं, पर उनका मैच क्राउन ज्वेल के अंदर मुझे हजम नहीं हो रहा। आप इसकी दूसरी साइड ये देखो कि रोमन रेंज का कोई अपोनेंट बचा ही नहीं है WWE के अंदर, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ अपोनेंट है WWE के अंदर जो कि रोमन रेंज को नहीं फेस किए अभी, तो शायद WWE इसीलिए इस मैच को बिल्ड कर रही है और शायद पॉपुलैरिटी भी आ जाए WWE को इसी बहाने। आज का फाइनल अपडेट भी जुड़ा हुआ है रोमन रेंज से ही रिलेटेड। तो डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग एक और न्यूज रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। तो देखो अभी ये न्यूज पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पर शायद हमें क्राउन ज्वेल के बाद हमें रोमन रेंज अपना टाइटल रिलिंक्विश करते हुए दिखेंगे। जी हाँ डेव मेल्जर ने ये कहा है कि रोमन रेंज के पास अब कोई भी उपाय नहीं अपना चैंपियनशिप बेल्ट हटाने का, तो वो शायद क्राउन ज्वेल के बाद अपना चैंपियनशिप बेल्ट विक्ट्री करके आकर चैंपियनशिप बेल्ट अपना रिलिंक्विश कर दे। और सही बताऊं तो वो सेगमेंट भी काफी देखने में अच्छा लगेगा, जब रोमन रेंज आएंगे कहेंगे मुझे हराने वाला कोई नहीं है WWE, और इसीलिए मैं अपना एक चैंपियनशिप बेल्ट छोड़ रहा हूं और रॉ ब्रांड को मैं दे रहा हूं एक चैंपियनशिप बेल्ट। देखो अगर ये चीज WWE में हो रहा है तो इससे कंफर्म है कि रोमन रेंज बिल्कुल भी वीक नहीं दिखाई देंगे। पर बात निकल के वही आती है कि हील कैरेक्टर कभी भी अपना चैंपियनशिप बेल्ट रिलिंक्विश नहीं करता है WWE के। देखो यार ये रिपोर्ट डेव मेल्जर की तरफ से थी, तो मैं आपको बता दूं। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताना सबको कमेंट सेक्शन में कि ये जो रेसलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कौन सा रेसलर का पुराना फोटो है। और हाँ आप लोग फोटो देख भी सकते हो, और सबको कमेंट सेक्शन में बताना ये फोटो आखिर किसका है। पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कल के स्मैकडाउन के जस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा हिंदी रिव्यू मेरे चैनल पे आ जाएगा। कल के स्मैकडाउन कोई भी मत छोड़िएगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो कल अपडेट अगर जानना है। हाँ अगर आप मेरा मॉर्निंग वाला
मेरा वीडियो नहीं देखो तो इसके बाद आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार सब लोग, और कमेंट भी कर देना सब लोग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।